अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू सुल्ताना फूड सीक्रेट्स। सुल्ताना फूड सीक्रेट्स में खुश आमदीद एक नई वीडियो के साथ। आज मैं आई हूँ बड़े के पाए यानी गाय के पाए बनाने। तो गाय इसके जो पाए को है दो तरह से साफ़ करते हैं। एक तो है पानी कनस्तर होता है ऑयल का या घी का जो कनस्तर होता है, उसमें हम लोग क्या करते हैं कि पानी ढेर सारा डाल देते हैं, उसको अच्छी तरह से पका के उसमें पाए डाल के फिर उसकी खाल को जो है छुरी के ज़रिए से नाइफ़ के ज़रिए से निकालते हैं। इस तरह से गूदे जो है काफ़ी हद तक बच जाते हैं। वरना ये देखें, ये इस तरह से इसमें गूदे नज़र नहीं आ रहे। ये पाए जो है हमने इसको डायरेक्ट इसकी जो खाल जो है वो उतरवा दी है। अब इसमें बिल्कुल सिर्फ हड्डियाँ ही हड्डियाँ नज़र आती है। खैर, इसमें तो ऊपर से मैंने ये सब कुछ इस तरह से डलवाया हुआ है। इसमें थोड़े बहुत गोश्त भी इसमें शामिल किया हुआ है मैंने। और इसका दूसरा तरीका ये होता है, या फिर आग में पाए को भूने, भूनने के बाद छुरी की मदद से खुरच लें। ठीक, अच्छा, आए मैं अब दिखाती हूँ मैं किस तरह से तैयार करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये पानी मैंने अच्छी तरह से इसको बॉयल कर लिया है। इसके अंदर अब मैं पाए शामिल करूँगी। ये इसमें पाए में सारे पाए इस तरह से डाल देती हूँ। ये जो है इतनी जल्दी तो तैयार नहीं होगा, अगर प्रेशर कुकर में डालेंगे तो कम वक्त लगता है, लेकिन मैं इसको डायरेक्ट भगोने में ही डाल के तैयार करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसमें अब मैं इस तरह से देखिए कटी हुई ये प्याज है, इस तरह से प्याज में डालूँगी। और इसमें है अदरक लहसुन का पेस्ट, ये काली मिर्च और लौंग, ये देखिए काली मिर्च और लौंग, सौंफ और दालचीनी, तेजपात, बड़ी इलायची, छोटी इलायची यानी हरी इलायची और बड़ी इलायची। इसमें मैं साबुत धनिया भी डालती हैं, लेकिन मैं साबुत धनिया यूज़ नहीं करती हूँ। उसको मैं जब मसाला तैयार करूँगी उसको जब मैं उस वक्त शामिल करूँगी। अभी इसमें मैं नमक भी नहीं शामिल करूँगी। इस तरह से बस इसको थोड़ा सा इस तरह करके मैं इतना पानी हो कि सब इसके अंदर डीप हो जाए और ये आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ गल के। अच्छा, अब इसको मैं ढक देती हूँ। ये तकरीबन 5 से 6 घंटे तक इसको मीडियम में इसको बॉयल करना होगा ताकि पक के ज़रा खुश्क हो जाए, फिर उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। इसमें लगभग 1 घंटा हो गया इसे। अब इसमें मैं घर की पीसी हुई हल्दी है, मैं हल्दी शामिल कर रही हूँ, लाल सूखी मिर्च है, हिस्ब ज़रूर डालें, मैं 4 डाल रही हूँ। और इसमें अब मैं नमक शामिल कर रही हूँ, नमक भी हिस्ब ज़रूरत। उसके बाद इसको आस्ता से इस तरह से चला के फिर मैं इसे मज़ीद 3 घंटे के लिए और बंद कर देती हूँ ताकि अच्छी तरह से पक जाए, फिर उसके बाद मैं मिलती हूँ इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखिए पाए हमारे माशाल्लाह से 5 घंटे के अंदर पाए बिल्कुल गल गए हैं, बहुत ही अच्छे गले हैं। ये देखिए बहुत ही अच्छे पाए गल गए हैं, फूल फूल गए इसके गूदे जो हैं। बस मैं मसाला तैयार कर रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अच्छा अब मैं प्याज फ्राई कर रही हूँ। इसमें जो मैंने मसाला तैयार किया हुआ है इसके अंदर प्याज फ्राई करके इसके अंदर मैंने दही ऐड किया है, उसमें पीसा धनिया और थोड़ी सी और पीसी मिर्च और जो नमक में कमी बेशी थी वो नमक है। और इसमें कोई चीज़ मैंने नहीं डाली क्योंकि ऑलरेडी मैं पाए में पहले मसाले तमाम डाल चुकी थी। बस मैं प्याज फ्राई करके इस मसाले को उसमें डालकर बस इसका मसाला तैयार कर लूँगी पाए का। अच्छा, ये जो मसाला मैंने ऑयल अच्छी तरह से गर्म कर लिया है, अब जो ये मसाला डाल रही हूँ इसके अंदर दही, पीसा धनिया और थोड़ा सा नमक, लाल मिर्च और जो पीसी हुई प्याज है जो ब्राउन की थी प्याज, ये तमाम को मैंने एक साथ ग्राइंड कर लिया है। इसको मैंने अच्छी तरह से पीस लिया है, अब इसको इसके बाद में
फ्राई पैन में डाल के इसको भून लूँगी। ये मसाला मैं बहुत अच्छी तरह से भून रही हूँ, इसी में सारे पाए को अब मैं डाल दूँगी। इसके बाद फिर जो है हमारा पाए जो है तैयार है। बना रही हूँ, ये हमारे पाए देखो पक्के तैयार है। अब इसमें मैं जो मसाला मैंने भुना है वो मसाले को मैं इसमें डाल के मिक्स कर दूँगी, और जितना शोरबा रखना है कम या ज़्यादा वो पानी डाल के इसको एडजस्ट कर लूँगी मैं। ये पाए जो है हमारे तैयार हैं माशाल्लाह से, बहुत ही ज़बरदस्त पाए, बहुत अच्छे गल गए, बहुत ही ज़बरदस्त पाए तैयार हैं माशाल्लाह, बहुत ही ज़बरदस्त बेहतरीन तैयार हुआ है पाए। एक मरतबा लाजमी ट्राई करें, मैं आप लोगों के लिए डेली वीडियोस बनाती हूँ। प्लीज़ मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपनी फैमिली और दोस्तों के साथ शेयर करें। जो भी दिल चाहे कमेंट्स दें, मुझे दीजिए इजाज़त। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।